जब स्टेटस नहीं है, कोई नहीं बोला तो इसी वास्ते दोबारा आए हम। हमने यही कहा उनको कि 10 तारीख को भी दिया था और ये परिस्थिति है। और प्रदेश में हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए, जो कि इस किस्म की, वो प्रदेश के लिए अच्छा नाम नहीं होगा उसके, इट विल ब्रिंग बैड नेम फॉर द स्टेट, तो इस वास्ते तुरंत रिजॉल्व किया जाए। ऐसा है, सरकार के पास 41 अपने हैं, एक गोपाल कांडा जी हैं, एक नैनपाल राणा जी हैं, नैनपाल रावत, तो 43 हैं सरकार के पास, वन बाय वन। उन्होंने हमारी बात सुनी है और हमने आग्रह किया कोई एक्शन ले, उन्होंने कहा मैं इसको दिखाऊंगा। ये उनके उनकी जिम्मेवारी है ना, लेके जाएं, वो लेके जाएं अपने भाई, नंबर इट इज नंबर गेम, इसके अलावा कौन है उनके साथ? 43 के साथ नाम बताएं कौन है उनके साथ? अभी 87 का है, जब तक किरण चौधरी इस्तीफा न दे ले या स्पीकर कोई फैसला न करे 87 का रहेगा। जब तक सदस्यता उनकी, या तो इस्तीफा दें या रद्द दो। स्पीकर ये उन्होंने दिया है स्पीकर, हमने कल ही अध्यक्ष महोदय को विधानसभा के हम तो फिर रखेंगे। अभी जो रास्ता है संविधानिक रास्ता वही अपनाएंगे। सरकार तो लोगों से तो गई, लोगों में तो जो है इस सरकार का विश्वास उठ चुका है। अगर राज्यपाल नहीं लेते कोई फैसला तो कोर्ट का रास्ता भी अपनाएंगे। कोर्ट का क्या है जाएंगे? कोर्ट का क्या मानना? कोर्ट का किस लिए? अल्पमत की सरकार है तो हम तो कह रहे हैं ना, अल्पमत की सरकार है। अब राज्यपाल देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो क्या फैसला देते हैं उसके बाद हम कोई विचार करेंगे। ये दावे खोखले कितनी बार हो चुके इनके, खोखले दावों से क्या होता है? आज स्थिति क्या है इस बात की बात है, कल क्या पता कौन बीजेपी से आ जाए कौन से। ये हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए तो हमने रिजोल्यूशन मांग रहे हैं। आपने चंडीगढ़ में मेयर चुनाव देखा होगा, चंडीगढ़ में कैसे मेयर चुनाव हुआ था आपको क्या जैसा हरियाणा में भी लग रहा है? क्या चीज चंडीगढ़ मेयर चुनाव जैसी स्थिति हरियाणा में बन सकती है क्या? चुनाव तो लोग चुने हैं सरकार। अबे अभी तो हमने रिजोल्यूशन मांगा है, मेयर इलेक्शन का सवाल थोड़ा ही। यहाँ चंडीगढ़ प्रकरण को रोकने के लिए तो उनसे वैसा है, इसको बर्खास्त वैसा है, मतलब और स्टेडियम ना हो, ये तमाशा ना हो, उसके लिए रिजोल्यूशन मांगा है हमने। आपको बताना जरूरी नहीं है, क्यों बताएं जब समय होगा बताएंगे। क्या ऐसा है, हमारे 38 MLA और XMP पहले ज्वाइन कर चुके हमारे पार्टी 42 के करीब। क्या पार्टी कांग्रेस पार्टी मजबूत है? नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग की वजह से नंबर तो है ही, नंबर बता रहा हूँ उनको, 43 है उनके पास तो ऑन रिकॉर्ड। अब और भी गुप्ता जी और भी तो सब पूछन दे, तू पूछता रहेगा यार, और कोई चांस दे यार, फिर और कोई नहीं पूछो, फिर आप पूछना है किसने क्या? क्या बात? अभी कोई रिप्लाई नहीं आया, वी आर वेटिंग फॉर द रिप्लाई स्पीकर। नहीं, ये तो कल स्पीकर नोटिस दूंगा मैं।
करे वो कहेगा। एक कांग्रेस पार्टी का फैसला है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कांग्रेस हाईकमांड करता है, ये बातें वहां कहनी चाहिए। कोई भी वरिष्ठ नेता हो, कोई हो सकता है मेरे कोई ग्राउंड हो तो मैं तो वहीं जाके कहूंगा ना। वो कह रहे सर नाइंसाफी हो रही है, साफ होना चाहिए, श्रुति चौधरी और दिन चौधरी, मैं भी कह रहा हूँ। और इंसाफ, इंसाफ कौन करेगा, हाईकमांड करेगी ना, इंसाफ ही क्या होगा हाईकमांड। जो जो भी फैसला हाईकमांड करता है सबको मान्य होता है। सर राज्यसभा सीट के लिए क्या समीकरण देखते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए राज्यसभा का जहां तक सवाल है, कांग्रेस के पास तो नंबर है नहीं। अगर नंबर 15 या 16 मेंबर और चाहिए, अगर कोई 16 आदमी एक को निर्वाचन करके आ जाते हैं तो हम समर्थन दे देंगे। हैं? कांग्रेस के पास तो नंबर नहीं है ना, नंबर नहीं, मैं बता चुका हूँ। मुख्य पक्षी है तो नंबर बगैर के नंबर के क्यों लड़ेंगे हम? हाँ, अगर 16 आदमी हमारे पास एक होकर किसी का कंसेंसस बिल्ड करते हैं तो सर, इसके लिए नहीं हम नहीं करेंगे, कोई अगर चाहेगा तो हम वो आए का बात कर सकते हैं। मैंने कहा ना 16 आदमी जब तक नहीं होंगे, एक कंसेंसस फैसला नहीं होगा तो कांग्रेस खुद में नंबर नहीं है कांग्रेस के पास। हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। अब यार तो साफ कर लिया तो वो एक सवाल तो बार बार पूछ रहा है। पहले हमारे हैं 3 इंडिपेंडेंट भी हैं हमारे साथ, लेकिन तो उसके अलावा जो फैसला करके जब वो इकट्ठा करके आ जाए फैसला करके तो भी बात होगी ना। 14 आदमी और आए तो फैसला होगा, 14-15 आदमी 13-14 जो भी है नंबर, मतलब तेरा हाउस होगा। नहीं होगा वो हमारे वे कन्विंस करेंगे तो पूरा हमारा नंबर है, कंसेंसस बनता है तो वील थिंक। आई पता नहीं कल सवाल पूछ रहे हैं क्या फायदा, ऐसा भी हो सकता है वैसा भी हो सकता है क्या? नहीं है, है? कोई कोई गुटबाजी नहीं है कांग्रेस में, आज भी मैं कह रहा हूँ। क्या है वो तो उनसे पूछो, क्यों है वो उनसे पूछो क्या? टिकट हाई कमांड ने दी है, मैंने नहीं दी, कई दफा कह चुका आपको, तो हाई कमांड से नाराज होंगे फिर। अरे कितने पार्टी छोड़ गए आगे क्या है उसमें, जो अपनी जिसको अपना फ्यूचर कहीं अच्छा लगता होगा चला जाएगा, अपने स्वार्थ स्वार्थ में कोई कहीं जाए। अब कौन से परिवार की बात कर रहे थे वो, और परिवार का कब्जा कहाँ पे हो गया कहाँ, पता नहीं, उस कंट्राडिक्टी है ना। एक परिवार की बात कह रहे, एक परिवार को स्थापित करने की बात कह रहे, कोई कोई वो नहीं है, मेरे इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं पड़ता। मैं उनकी इच्छा है वो चलेगी, कोई बात नहीं। तो वो तो भाई मैं ये तो नहीं कह सकता, मनोहर लाल जी कह रहे हैं तो सच्ची कह रहे होंगे, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं उनको थोड़ा कह सकता हूँ कि मनोहर लाल जी झूठ बोल रहे हैं, सच्ची कह रहे होंगे। आपको भी लगी कोई ऐसी बात कि वो बीजेपी के लिए मन से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? नहीं, मैं तो ऐसी बात कही नहीं, लगती तो मैं कह देता। राज्यसभा चुनाव में उनकी भूमिका साफ थी, पिछला राज्यसभा चुनाव में भूमिका साफ थी, राज्यसभा चुनाव में पिछला हुआ उसमें किरण चौधरी की भूमिका क्या साफ थी?
ये अध्यक्ष जी बता देंगे कि आज का मैं वो जवाब तो उन्होंने दे दिया। खट्टर साहब ने कह दिया कि भाई आत्मा हमारे साथ थी, जो अभी आपने पूछा वहाँ तो शरीर ही था, तो और उन्होंने ये कह दी कि मेरे प्रेरणा स्रोत मनोहरलाल खट्टर जी हैं, चौधरी बंसीलाल जी तो है नहीं। तो वो तो पहले क्वेश्चन मैंने तो कहा है कि राज्यसभा में क्या डील हुई है वो तो वही बता सकती है। बस और वो तो अजय माकन जी ने भी स्पष्ट कर दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही, सारे प्रेस के सामने। सोशियो इकोनॉमिक नंबर देखिए देखिए, ये सरकार जो है इसने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, कोई ना कोई कमी छोड़ देते हैं और वो रिक्रूटमेंट कैंसिल हो जाती है या पेपर लीक हो जाता है या एचपीएससी के दफ्तर में करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं या एसएस कमीशन के चेयरमैन की रिकॉर्डिंग पकड़ी जाती है। मतलब इस सरकार ने नौकरियां ऐसे बेची है जैसे परचून की दुकान में, ये जो रोजगार निगम जो बना रखा है नीट का अभी, है? अभी नीट अब नेट देख लिया, नीट देख लिया क्या हो रहा है, और नेट तो कैंसिल हो गया। तो ये आप देख रहे हैं, नहीं हरियाणा में कितने पेपर लीक हो चुके, कितने पेपर लीक हो चुके, कितने कैंसिल हो चुके, और ये जो रोजगार निगम बना रखा है उसमें ना तो पक्की नौकरी है, ना मेरिट है, ना रिजर्वेशन है, भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है। एमएसपी पे इजाफा किया है, अच्छा है, जितना इनपुट्स की कॉस्ट बढ़ी है उसके मुकाबले में ना काफी है। देखिए प्रधानमंत्री हैं देश के, कहीं भी जा सकते हैं, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। समाजवादी पार्टी ऐसी चर्चाएं हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो हरियाणा विधानसभा चुनाव में शीट शेयरिंग को लेकर बात जो है वो कर रही है, उसको क्या इस तरीके से क्या कुछ कहने वाला है? हमारी किसी से बातचीत नहीं है, गठबंधन के बड़े नेताओं से क्या राष्ट्रीय स्तर की बात है, हरियाणा की बात करें मैं, ये राष्ट्रीय स्तर, ये राष्ट्रीय स्तर की बात करें। आई सेड दैट इट इज फॉर द हाई कमांड टू डिसाइड, तुम्हें माना क्या है, मैंने क्या माना, व्हाट आई हैव, ऐसा है, ये राष्ट्रीय स्तर का अलायंस है, समाजवादी के साथ भी है, राष्ट्रीय स्तर का अलायंस समाजवादी के साथ भी है, आपके साथ भी है, हरियाणा में भी किसी के साथ अलायंस नहीं है। थैंक यू, चाय पी के जाना, हमारी फ्लाइट है, हम दौड़ेंगे।